हर व्यक्ति सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर लोग परिस्थितियों एवं असफलताओं के आगे घुटने टेक देते हैं और वे मान लेते हैं कि यही उनकी जिंदगी का सत्य है। हम भूल जाते हैं कि हम तब तक असफल नहीं होते जब तक कि हम प्रयास करना नहीं छोड़ देते। अगर हम आंकड़ों की ओर ध्यान दें तो 92% लोग अपने जिंदगी के सफर में हार मान लेते हैं और अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं। केवल 8% लोग आगे बढ़ते हैं और उनमें से केवल 10% लोग सफल हो पाते हैं। हम यह समझते हैं कि हमारे सफल न होने का कारण लोग, समस्याएं या परिस्थितियां हैं, लेकिन दरअसल ऐसा कहकर हम स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं। असफल कौन नहीं होता, समस्याएं किसके सामने नहीं आती, आदर्श जीवन के साथ कौन पैदा होता है, हर किसी के जीवन में समस्याएं आती है। स्टीव जॉब ने कहा था, कभी कभी जिंदगी आपके सर को ईंट से भी मारती है, अपने विश्वास को मत खोइए। हर व्यक्ति असफल होता है, समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सकारात्मक नजरिए की वजह से परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानते। वे परिस्थितियों और लोगों द्वारा फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव बना लेते हैं और प्रयास जारी रखते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं। यह केवल नजरिए का ही फर्क है कि कुछ लोग असफलताओं को उनके सपनों तक पहुंचने की पहली सीढ़ी मानते हैं और कुछ लोग असफलताओं को उनके सपने टूटने का कारण मानते हैं। अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि बिना किसी कठिनाइयों और असफलताओं के सफल हुआ हो। याद रहे, आप असफलता की सीढ़ी पर पांव रखकर ही सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। असफलताएं और कठिनाइयों का उद्देश्य हमारे सपनों को पूरा करना होता है, क्योंकि हम बार बार यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर असीम शक्ति है जिसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। मोहम्मद अली कहा करते थे, जो सामने पहाड़ दिखता है उसे चढ़ने में आप थकते नहीं हो, बल्कि आपके जूते में छिपा कंकड़ ही आपको तकलीफ देता है। अगर जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आ रही तो इसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, जिसे हमें आत्मचिंतन द्वारा समझना होता है। हमें अपने भीतर झांकना होता है और अपनी शक्तियों को जागृत करना होता है। हमारी समस्या यह नहीं कि हम कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते, बल्कि समस्या यह है कि हम अपनी असीमित शक्तियों को नहीं पहचानते। जब निक विजुसिक बिना हाथ पैर लिख सकता है, तैर सकता है, फुटबॉल खेल सकता है और अपने सपने पूरे कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? जब विल्मा रुडल्फ अपनी विकलांगता को हराकर ओलंपिक रेस जीत सकती है, तो हम अपने सपने पूरे क्यों नहीं कर सकते? जब विकलांग ईरा सिंघल देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा IAS में टॉप कर अपने सपने पूरे कर सकती है, तो हम क्यों नहीं? जब थॉमस एडिसन हजार बार फेल होकर भी प्रयास करना नहीं छोड़ते और आखिरकार अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? जब अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैर पर चलकर माउंट एवरेस्ट फतह कर सकती है, तो हम क्यों नहीं? जो व्यक्ति सपने देख सकता है वो सपने पूरे भी कर सकता है। आप चाहे किसी भी जगह हो या जीवन की परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आपको अपना सपना पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत है वो सारी वस्तुएं एवं शक्तियां इस समय आपके पास मौजूद हैं।